दोस्तों आमतौर पर धनतेरस और दिवाली जैसे प्रमुख त्योहारों के मौके पर सोने और चांदी के सिक्के खरीदने की परंपरा रही है। आज के डिजिटल दौर में भी सिक्कों का अपना ही एक अलग महत्व होता है। दुनिया के अधिकांश देशों में करेंसी की शुरुआत सिक्कों से ही की थी, लेकिन समय के साथ इन सिक्कों की जगह कागज और प्लास्टिक के नोटों ने ले ली है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं मानव इतिहास के 10 सबसे नायाब और मूल्यवान सिक्कों के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 1, डबल ईगल 1849। जी हाँ दोस्तों, ये सिक्का अमेरिकी इतिहास का सबसे नायाब और मूल्यवान सिक्कों में से एक है, जिसको 1850 में ढाला गया था, लेकिन इन सिक्कों पर 1849 अंकित है क्योंकि इसी वर्ष इनके उत्पादन की प्रक्रिया की शुरुआत कैलिफोर्निया गोल्ड रश में हुई थी। इसका डिजाइन जेम्स बार्टन लुगांक्रे द्वारा किया गया था। इस सिक्के का मौजूदा नमूना स्मिथसोनियन संग्रहालय में राष्ट्रीय सिक्का संग्रह में संरक्षित है, जिसका मूल्य लगभग 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर आकी गई है। नंबर 2, फ्लेमिंग हेयर डॉलर। दोस्तों, ये अमेरिका के संघीय सरकार द्वारा जारी किया गया पहला डॉलर सिक्का है, जिसको सबसे पहले 1794 में ढाला गया था। इस सिक्के को रॉबर्ट स्कॉट ने डिजाइन किया था, जो आकार और वजन में लोकप्रिय स्पेनिश डॉलर के सिक्के के समान था। यह सिक्का चांदी और तांबे से बना है, जिसके एक तरफ स्वतंत्रता की मूर्ति और दूसरी तरफ एक ईगल अंकित था, जिसको अगले साल बदल दिया गया था। दोस्तों, सन 2013 में इसकी नीलामी 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर में की गई थी। नंबर 3, 1933 डबल ईगल। दोस्तों, इस सिक्के को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 1933 में ढाला गया था। हालांकि 4 लाख से अधिक सिक्के ढालने के बावजूद एक वर्ष के भीतर ही इसे वापस ले लिया गया था। इसको सेंट गॉर्डेंस द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसमें लेडी लिबर्टी को एक मशाल और जैतून शाखा पकड़े हुए दर्शाया गया है। दोस्तों, वैसे तो इस सिक्के को कभी संचारित नहीं किया गया था, लेकिन कुछ सिक्के चोरी हो गए और कुछ को कलेक्टरों से बरामद किया गया था। इस सिक्के के कम से कम 15 नमूने अभी भी मौजूद हैं, जिसको 2002 में एक नीलामी में 7.59 मिलियन अमेरिकी डॉलर में बेचा गया था। नंबर 4, 1787 में ब्रेशेल दोब्लून। दोस्तों, ये एक सोने का सिक्का है, जिसे सुनार एफ्रेम ब्रेशेल ने न्यूयॉर्क में बनाया था। ये बहुत ही नायाब सिक्कों में से एक है, जिसमें बाज के पंख और स्तन अंकित हैं, जिसको 2011 में 74 मिलियन अमेरिकी डॉलर में नीलाम किया गया था, और 2014 में पुनः एक दूसरे नमूने को 4.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर में नीलाम किया गया था। नंबर 5, 2007 में क्वीन एलिजाबेथ। रॉयल कनाडियन मिंट द्वारा 2007 में उत्पादित किया गया यह दुनिया का पहला सिक्का है, जिस पर 1 मिलियन डॉलर की मूल्य अंकित की गई थी। इस सिक्के के प्रत्येक नमूने को 99.99% खालिस सोने से बनाया गया था, जिसमें एक तरफ महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का चित्र तथा दूसरी ओर मैपल का पत्ता अंकित किया गया था, ताकि कनाडा की नई लाइन में सोने के सिक्के को बढ़ावा मिल सके। इस सिक्के का एक नमूना 2009 में वियना में एक नीलामी के दौरान 4.02 मिलियन अमेरिकी डॉलर में नीलाम किया गया था। नंबर 6, 1804 में सिल्वर डॉलर। दोस्तों, इस सिक्के को 1830 में ढाला गया था। हालांकि इस सिक्के पर 1804 अंकित है, क्योंकि इसकी ढलाई राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन के सम्मान में किया गया था। इस सिक्के के नमूने को 3 वर्गों में बांटा गया है और केवल 15 नमूने ही अस्तित्व में हैं। वर्ग 1 के नमूने सबसे अधिक मूल्यवान होते हैं, जिसको मस्कट के सुल्तान ने 1999 की नीलामी में 4.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीदा था। नंबर 7, लिबर्टी प्रमुख निकेल। दोस्तों, ये सिक्का 1913 में 5 सेंट में ढाला गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका टकसाल प्राधिकरण की अनुमति के बिना बहुत ही सीमित संख्या में उत्पादन किए गए थे। ये सिक्का 1920 में सार्वजनिक हुआ था, जिसको शमूल ब्राउन ने डिजाइन किया था, जो कि टकसाल के एक पूर्व कर्मचारी थे। इस सिक्के के केवल 5 नमूने वर्तमान में मौजूद हैं। उनमें से एक नमूने को 2010 में 3.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर में नीलाम किया गया था। नंबर 8, 1822 में हाफ ईगल। दोस्तों, ये सिक्का मुद्रा शास्त्र या सिक्कों के संग्रहों के इतिहास का सबसे दुर्लभ और नायाब सिक्कों में से एक है। इसको 5 डॉलर मूल्य वाले सिक्के के रूप में संचारित किया गया था, जिसको जॉन रिच ने डिजाइन किया था। इस सिक्के के लगभग 17,796 टुकड़े का उत्पादन किया गया था, लेकिन केवल 3 नमूने ही वर्तमान में मौजूद हैं। उनमें से 2 स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन के राष्ट्रीय सिक्का संग्रह में रखा गया है, तथा अन्य नमूने को लगभग 7 लाख अमेरिकी डॉलर मूल्य के लिए
सन 1982 में बेच दिया गया था। नंबर 9, 1907 में संत गॉडेंस डबल ईगल अल्ट्रा हाई रिलीफ। दोस्तों इस सिक्के को सन 1907 में $20 मूल्य वाले सिक्के के रूप में संचारित किया गया था, जिसको प्रसिद्ध मूर्तिकार सेंट गॉडेंस ने डिजाइन किया था। 1907 में ढाले गए इस सिक्के के दो नमूने को स्मिथसोनियन संग्रहालय में रखा गया था, जिसमें से एक नमूने को लगभग 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए 2005 में नीलाम कर दिया गया था। नंबर 10, 1344 में एडवर्ड थेड फ्लोरिन। दोस्तों ये ब्रिटिश मुद्रा शास्त्र के इतिहास के सबसे दुर्लभ सिक्कों में से एक है। इसे एडवर्ड थेड फ्लोरिन ने 1344 में शुरू किया था, जिसको डबल तेंदुए के नाम से भी जाना जाता था। इस सिक्के के केवल 3 नमूने वर्तमान में मौजूद हैं, जिसमें से एक नमूने को 2006 की नीलामी में बेच दिया गया था और अन्य दो ब्रिटिश संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए लगाया गया है। तो दोस्तों ये थे मानव इतिहास के 10 सबसे नायाब और मूल्यवान सिक्के। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ इस चैनल की बाकी वीडियोस को भी जरूर देखें। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद।